दिवाली आने वाली है, तो आप सभी को, जितनी भी हमारी YouTube फैमिली है, सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जैविक वाटिका में। अभी त्योहारों का मौसम चल रहा है और दीपावली आने वाली है, एक दो दिन ही बाकी है बस। तो अभी दीपावली के समय में फूल के पौधे ज़्यादा महत्व रखते हैं। मालाएं बनाकर घर को डेकोरेट करने में और साज सजावट में, और अपने जो हमारे देवी देवताएं हैं उनको पुष्प अर्पण भी करते हैं, तो इस तरह से काफ़ी महत्व रखते हैं फूल हमारे इन त्योहारों में। अभी आने वाले समय में जो और सर्दियों में के लिए फ्लावर आएंगे, उनकी आज हमने शॉपिंग की है दिवाली के उपलक्ष में, और नए नए फूल हम आज खरीद कर लाए हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से पौधे हमने खरीदे हैं। ये देखिए, ये पिटोनिया के पौधे आप देख रहे हैं, और साथ में ही जो गेंदा होता है उसकी दो वैरायटी अलग अलग आप देख रहे हैं जो आज हम खरीद कर लाए हैं। इसमें एक जाफरी है और एक दूसरे वाला ही गेंदे का पौधा है, जिसका जो कलर है वो बहुत ही अच्छा और यूनिक कलर है। ये देखिए आप, सिंदूरी कलर का ये पौधा हम खरीद कर लाए हैं, और दूसरा एक इसमें जाफरी है, ये देखिए। तो और बाकी जो कलर हम लाए हैं पिटूनिया के, उसमें वाइट है, वाइट ये देखिए कितना सुंदर लगता है वाइट इसका फ्लावर। अभी शाम का समय होने वाला है तो इसके फ्लावर थोड़े मुरझा सी गए हैं, और साथ में इधर कई सारे और कलर लेकर आए हैं हम। ये देखिए, पर्पल है, रेड है, मरून है, और इसमें एक पर्पल और वाइट का कॉम्बिनेशन में भी है जो काफ़ी सुंदर लगता है। सर्दियों के मौसम में पिटूनिया के जो फ्लावर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हम अपने गार्डन में लगाते हैं। एक तरह से कहें तो सर्दियों के जो फूल हैं उनका राजा पिटूनिया माना जाता है, और किस किस तरह से लगाए जाते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। हमने अभी अपने जो बास्केट्स हैं उनको तैयार किया है, इनमें पहले कुछ और प्लांट भी लगे हुए हैं, तो हम ये करेंगे कि इसमें जो पुराने प्लांट हैं उनको इसमें रहने देंगे, और एक एक पौधा इन बास्केट्स में हम लगाएंगे अभी, क्योंकि बास्केट्स में हैंगिंग होने के बाद ये जो फ्लावर्स हैं ये जब पूरा भर जाएगा फूलों से तो बहुत ही सुंदर लगता है ये। और मिट्टी में हमने थोड़ा सा राइस हस्क भी डाला हुआ है, थोड़ा गोबर की खाद है, मिट्टी है गार्डन की नॉर्मल, तो इन्हीं के मिक्सचर से ये पौधे हम लगाएंगे अभी। और इनका लगाने का प्रोसेस कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल सा आपको मिक्स कर लेना है तीनों को बराबर भाग में लेकर। मिक्स करने के बाद ये देखिए, ये गोबर की खाद और हस्क को मिक्स कर लिया है। हस्क मैंने इसलिए ली है कि जो मेरे वज़न है डेली में वो ज़्यादा ना रहे। ये देखिए, हैंगिंग के लिए वज़न थोड़ा हल्का रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब मिट्टी के बाद ये एक डेलिया मैंने नई ली है, ये हैंगिंग बास्केट्स भी बोलते हैं इसको, और प्लांट को हमने पॉलीबैग से बाहर निकाल लिया है। इसके बाद इसमें आराम से हम इसको रख देंगे, बस थोड़ा सा ध्यान ये रहे कि जो इसकी नीचे की मिट्टी है ये मैंने अलग कर दी थी, क्योंकि इसकी जो मोटाई है अगर वो ज़्यादा ऊपर रहेगी तो फिर ये ज़्यादा स्पेस नीचे नहीं जा पाएगा, जिससे कि पौधा जो है ग्रोथ नहीं लेगा। क्योंकि अगर मैं इसको अगर यहाँ पे रखूँगा तो ज़्यादा ऊपर हो जाएगा, ये डेलिया से बाहर निकल जाएगा। तो मैंने एक ही लगा दिया है, इसमें मैं सोच रहा हूँ कि मैं दो प्लांट लगाऊँगा, क्योंकि दो प्लांट भी अच्छे लगते हैं कॉम्बिनेशन में। एक और मैं इसमें साइड में ही यहीं पर रख दूँगा, ये एक प्लांट और इसमें ही साइड में प्लेस कर दिया हमने। अब साइडों में इसमें मिट्टी
भर देंगे हम। ये इस तरह से मिट्टी इसमें भर जाएगी और अच्छी तरह से ये प्लेस हो जाएगा। ये देखिए लगभग लगकर ये फिट हो गया है। हमने और दो तीन तैयार कर लिए हैं लगाकर, ये देखिए। और बाकी दो प्लांट बचे हैं अभी मेरे पास, इनके गमले नहीं हैं तो मैं या तो गमले या तो फिर हैंगिंग बास्केट से लेकर आऊँगा जिसमें ये लगाएंगे हम। तो अब इनको हम ऊपर हैंग कर देते हैं और फिर इनमें वाटरिंग करेंगे। तो इस तरह से ये जितने भी हमारी हैंगिंग बास्केट्स हैं उनको हम ऐसे लगा देंगे और ऐसे सुंदर भी लगती हैं, लगी भी। ये देखिए ये देखिए। तो इस तरह से दोस्तों हमारी जितनी भी ये डेलिया थी सारी की सारी हमने लगा दी है जितनी मेरे पास अभी थी। और अब वाटरिंग की बारी आती है, तो इसमें हम वाटरिंग कर देंगे। फर्स्ट टाइम वाटरिंग है, थोड़ा ठीक से ही हम वाटर करेंगे। इसमें पानी अच्छे से डाल देंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है वो रूट्स सेट होने में, इनमें जो बबल नीचे बनेंगे एयर बबल, उनको ठीक करेगा और ग्रोथ इनमें अच्छी आएंगी। तो दोस्तों हमारे ये जो पिटूनिया के प्लांट्स हैं लगभग अब तैयार हैं लगकर। और कमेंट करके बताना कि कैसे लग रहे हैं आपको हैंगिंग बास्केट्स में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और जैसे कि दिवाली आने वाली है, तो आप सभी को, जितनी भी हमारी YouTube फैमिली है, सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपका जो आने वाला समय है वो काफ़ी अच्छा हो, आपके जितने भी त्यौहार हैं सब खुशियां लेकर आएं। और माता रानी की कृपा, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। इसी कामना के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार और हैप्पी दिवाली।